हेलो फ्रेंड्स, सॉल्टेड सैंडविचेस तो आपने कई बार खाई होंगी। आज बनाते हैं स्वीट सैंडविचेस। तो और आज मैं इसकी दो रेसिपीज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बिल्कुल नए तरीके से स्वीट सैंडविचेस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ली है ब्रेड स्लाइसेस और इसके जो ब्राउन कॉर्नर्स होते हैं उनको इस तरह से काट के हम अलग कर देंगे। इस तरह से हमने तीन ब्रेड्स तैयार कर ली है। और अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा घी। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। बटर के या घी के गर्म होने पर जो हमने ब्रेड स्लाइसेस तैयार की है तीनों को ऐसे इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर और नीचे से इसको अच्छा क्रिस्पी ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ऊपर की लेयर पर भी हम थोड़ा सा बटर या घी लगा देते हैं जिससे ये भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो जब नीचे का हिस्सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और जब दोनों तरफ के हिस्से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आधा कप दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आधा कप दूध है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ये देखिए। और जैसे जैसे ब्रेड दूध को अब्सॉर्ब करती जाएगी हम थोड़ा थोड़ा दूध और इसमें डालते जाएंगे। तो हमको यहाँ पे टोटल आधा कप दूध इसमें ब्रेड में डालना है। और दोस्तों, बिल्कुल मावे की तरह सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेड, ये देखिए। और अब हम इस सैंडविच के टू पार्ट्स कर देंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसको सिंगल पार्ट में ही रख सकते हो। हम यहाँ पर इसको दो तरह से स्वीट करेंगे, इसके लिए हमने इसके टू पार्ट्स किए हैं। अब दोनों पार्ट्स को हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं और इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हर्शीज चॉकलेट सिरप है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हो या फिर शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरी तरफ हम लगा रहे हैं हनी। तो इन दोनों में से आपको जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपको पसंद हो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और हमारी सैंडविच बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। इस सैंडविच को बनाने में 5 से 7 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है और खाने में ये इतनी टेस्टी लगती है कि बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हनी या चॉकलेट सिरप, दोनों में से आपको कौन सी सैंडविच का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आइए बनाते हैं दूसरी वाली सैंडविच। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल और उसमें मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच फ्रेश मलाई। जो हमारे दूध के ऊपर मलाई निकलती है वही मैं ले रही हूँ। अब इसके साथ हम लेंगे 2 चम्मच कोकोनट पाउडर या फिर नारियल का बूरा या डेसिकेटेड कोकोनट कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे 2 छोटी चम्मच मैंने लिया है और साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो वो यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम, काजू, किशमिश और साथ ही ली है 2 चम्मच चीनी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। अभी इस बाउल को एक तरफ रख देते हैं और अब हमने वापस से ले ली है ब्रेड स्लाइसेस और स्लाइसेस के हम कॉर्नर्स कट कर लेते हैं। तो अनइवन पार्ट्स हो या फिर ये ब्राउन कॉर्नर्स हो आप इसे काटना चाहें तो काटें, नहीं तो ऐसे भी ये सैंडविच अच्छी बनती है। तो मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप रख सकते हो, चाहो तो ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर सर्किल में भी आप इसे बना सकते हो। और इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं ये मलाई वाला जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, इसको अप्लाई कर लेते हैं और इसको दूसरी सैंडविच से कवर कर लेते हैं। ये देखिए, सैंडविच हमारी बन गई है और बहुत ही आसान और खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें हमने गैस तक ऑन नहीं किया है, बहुत फटाफट से बन जाती है। तो जब भी आपका कुछ मीठा सा और झटपट कुछ खाने का मन करे तो आप इसे ट्राई कर सकते हो और ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होती है। अब ये स्क्वायर शेप वाली सैंडविच को भी मैंने ट्रायंगल में ही कट कर लिया है। ये देखिए, सैंडविच हमारी बन गई है और दिखने में भी बहुत अच्छी दिख रही है, पर थोड़ी सी सूनी सूनी ये दिख रही है तो इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है हर्शीज का चॉकलेट सिरप और उसको मैं इस तरह से पूरी सैंडविच पे लगा दे रही हूँ और इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो जाएगी, बच्चों को बहुत बहुत पसंद आएगी और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से और इसको गार्निश कर देते हैं और ये देखिए सैंडविच बनकर तैयार है। तो कितनी देर लगी? 5 मिनट। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स तो करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगर आप मेरी इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।